तो आज मैं आपको ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसको यूज करके आप काफ़ी अच्छी एयर फोटो एंड वीडियो जनरेट कर सकते हो एंड इसके थ्रू आप अपने फोटो की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जिस ऐप का नाम है फोटो इन्हेंसर बाय हिटपॉज, सो इसे आज हम देखेंगे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड ये एंड्रॉयड iOS दोनों में भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इसको डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। सो है गाइस दोस्तों, दिस वन ऑफ पीस वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है AI फोटो इन्हेंसर बाय हिटपॉज या फिर हिटपॉज ये भी डाल सकते हो। सो इसे हम यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला ऐप आता है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो ओपन करके कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये फीचर्स देखने को मिलेंगे, डिस्क्रैच एनिमेट, कलराइज, रिमूव ऑब्जेक्ट, ब्यूटी एंड इन्हेंसर ऑल्सो एंड AI फोटो में आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे जिसको यूज़ कर सकते हो आप काफ़ी अच्छे तरीके से। कोई भी ऐप पे हम एक चूज़ करते हैं, फ्लावर टैटू वाला हम चूज़ करेंगे एंड अलाउ करके यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे जाके आपकी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे ये फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएटिंग न्यू स्टाइल हो चुका है। कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे फ़ोटो काफ़ी अच्छे तरीके से जनरेट हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। सो ऊपर आपको सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर देना एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल भी आपको चूज़ करने मिलेगा। ये फ़िलहाल ब्लर है तो कोई नहीं, इसे हम अभी फ़िलहाल सेव कर देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती है। सो बैक जाते हैं एंड AI आर्ट पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग AI आर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये हल्क वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो हल्क में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे मैं ये वाला मेल कैरेक्टर सिलेक्ट कर देता एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कैरेक्टर हल्क में क्रिएट हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एंड काफ़ी पसंद आया। सो इसे भी हम यहाँ पे अभी सेव कर लेते हैं सिंपली क्लिक करके ऊपर एंड और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सो AI वीडियो में जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको ऊपर जो फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक कर देना है एंड कुछ ये ऐसा वीडियो बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। सो फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं यूज़ टेम्पलेट एंड यहाँ पे हम अपना कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम AI स्टेबल डिफ्यूजन कुछ ऐसा बोलते हैं उस टाइप में हम क्रिएट करेंगे। शो नोटिफिकेशन ये सब अलाउ कर देना एंड यहाँ पे हमारा जो वीडियो उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएटिंग AI वीडियो फॉर यू स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, मिनिमम 10-15 मिनट्स तो भी लेता है ये। सो ये होने के बाद हमारा वीडियो देख सकते हो यहाँ पे रेडी हो चुका है एंड ये कुछ इस तरह कितना सिंपल ही गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। सो आप भी काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ इस तरह AI वीडियोस भी बना सकते हो। सो होम में जा कर देख सकते हो यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट, ब्यूटी, कलराइज, एनिमेट, डिस्क्रैच, काफ़ी सारे ऑप्शन देखते हैं। सो यहाँ से कोई भी एक मैं चूज़ करता हूँ अभी। सो सबसे पहले कलराइज देखते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कलराइज हो जाएगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कलर ऐड हो जाएगा। तो इस ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को मैं अभी सिलेक्ट कर देता हूँ प्रो कलराइज पे क्लिक करके। सो कुछ टाइम बाद कुछ इस तरह से हमको रिजल्ट दिखने को मिलता है गाइज, और ये काफ़ी अमेजिंग है, मतलब कितना ऑसम कलराइज हो चुका है हमारा फ़ोटो। कुछ और ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो ब्यूटी में जाके हम कुछ देखते हैं रिटच वगैरह, फेस रिटचिंग कैसी होती है। इस पर क्लिक करके आपको फ़ोटो क्लिक कर देना है एंड प्रो ब्यूटी में जाना है। तो कुछ टाइम बाद देख सकते हो गाइज ये भी कितना सही हो चुका है। सो काफ़ी अमेजिंगली ये काम करता है इनका AI टूल एंड मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली। सो ऊपर जाओगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको इन्हेंस देखने को मिलेगा, इन्हेंसर। इस पर क्या करना है गाइस, आपको इन्हेंसर पे क्लिक करके कोई भी आपकी ब्लर फोटो का आप क्लियर कर सकते हो। जैसे ये फोटो है गेट सेम इफेक्ट, तो देख सकते हो हमारा ब्लर फोटो भी यहाँ पे इन्हेंस होकर क्लियर हो चुका है। तो इस तरह इनका ये AI टूल काम करता है। ऑलराइट, सो गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो
एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए कुछ क्रिएटिव करते रहो।